एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम श्री माँ नैना देवी मंदिर की कथा और रहस्य के बारे में जानेंगे। कुल मिलाकर 51 शक्ति पीठियों में से एक शक्ति पीठ श्री नैना देवी मंदिर है, जहाँ पर माता सती की आंखें गिरी थी। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना पहाड़ी के ऊपर यह मंदिर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता राजा दश द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। शरीर का जो भाग जिस क्षेत्र में गिरा, वहां पर एक शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। इस प्रकार से 51 शक्ति पीठ की स्थापना हुई। नैना देवी का मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां देवी के नैन गिरे थे। मंदिर के अंदर माता काली देवी, मां नैना देवी और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित है। मंदिर के पीछे 165 गज चौड़ा और कई मीटर गहरा एक तालाब है। नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर के संबंध में यह भी मान्यता है कि यहाँ माँ के आंखों से गिरे आंसू ने ही यहाँ ताल का रूप धारण कर लिया और इसलिए इस जगह का नाम नैनीताल पड़ गया। उत्तराखंड में स्थित यह पर्यटन स्थल सड़क मार्ग के जरिए देश के मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप रेल से नैनीताल आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोटगोदाम स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से नैनीताल तक टैक्सी या बस की सहायता से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल ट्रेवल स्ट्रिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।